हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम आपका जो नाइन्थ क्लास है एसएसटी सब्जेक्ट है उसके अंदर सेकंड लेसन चला हुआ है और आज है उसका हम एट पार्ट पढ़ रहे हैं और टाइटल होता है यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति। इसके पीछे का जो पार्ट हुआ बच्चों, उसके अंदर हमने रूसी क्रांति की घटना को पढ़ा, जो अप्रैल में जो क्रांति हुई उसके बारे में, जनवरी की क्रांति के बारे में पढ़ा, वो किस प्रकार लेनिन ने बोल्शेविक जो क्रांतिकारी थे, जो एक ऐसा समूह था जो समाजवादी विचारधारा को यूरोप में स्थापित करना चाहता था, और जिस तरह की पूंजीवाद व्यवस्था थी, जार का जो जार जो राजा था उसका जो शासन था, और जिस प्रकार की वहां पर असमानता पर आधारित जो व्यवस्था थी, जो सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से, उन सबको बदलने के लिए लेनिन ने जो काम किया, लेनिन ने जो सिद्धांत दिया था अप्रैल थीसिस, और अप्रैल थीसिस में यह कहा गया था कि रूस युद्ध में भाग ना ले और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए, और जो जमीन की असमानता है, किसी के पास ज्यादा जमीन है, किसी के पास जमीन ही नहीं है, किसी के पास रहने के लिए बहुत ज्यादा मकान, बड़े बड़े मकान है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास निर्वासन है, जिनके पास कोई आवास नहीं है, तो उनको आवास दिए जाए। तो इस तरह की तीन मांगों की जो उसकी व्यवस्था हुई थी, तीन मांगों की जो उन्होंने बात रखी थी, उन सब के चलते हुए अप्रैल थीसिस के बाद अक्टूबर की क्रांति हुई। अक्टूबर की क्रांति के बाद वहां पर जो जिस प्रकार की सरकार थी, उन सब आंतरिक सरकार को खत्म करके बोल्शेविक की जो शासन व्यवस्था थी, या जिसको कम्युनिस्ट पार्टी के नाम से जानते हैं, बाद में उसका नाम बदल दिया गया था, उसको कम्युनिस्ट पार्टी रखा गया, बोल्शेविकों की पार्टी थी उसका, तो आगे चल के जिस तरह के उनके बीच में बदलाव आते हैं, और अक्टूबर क्रांति के बाद क्या क्या नई योजनाएं होने लागू की उस बारे में पढ़े। तो जो अक्टूबर क्रांति समाप्त हुई 1917 के बाद बोल्शेविक क्रांति है, उसके उनको बोल्शेविक जो पार्टी थी उसके हाथ में सत्ता आ गई। देख कौन लग रहा था, लेनिन, लेनिन के हाथों में आ गए। उन्होंने सबसे पहले क्या किया गया, नवंबर में ही, 1917 में ही बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, मतलब बैंक जो निजी रूप से काम करते थे अब उसको सरकारी बैंकों के रूप में घोषणा कर दी गई, और एक नई तरह की अर्थव्यवस्था को स्थापित करने के लिए उन्होंने काम किया। समाजवादी विचारधारा को व्यवहारिक रूप देने के लिए वो आगे बढ़ने लग रहे हैं। साथ साथ सोवियत यूटोपी, मतलब जो सरकारी अफसर होते थे और जो सेना होती थी उनकी एक अलग तरह की ड्रेस होती थी, उस ड्रेसों को भी बदला गया और सभी के लिए, अफसरों के लिए और सैनिकों के लिए एक टोपी निर्धारित की गई, किया एक विशेष कलर की, जो आप देख सकते हैं, जो आपके एनसीईआरटी की बुक है उसमें पेज नंबर जो 40 है उसके अंदर उसको टोपी को भी दिखाया गया है, आप वहां से देख सकते हैं, और उस टोपी का स्पेशल नाम रखा गया है सोवियत टोपी के नाम से, उस चीज को जाना गया। अब बात आती है कि पार्टी राजनीतिक रूप से अब जो समाजवादी काम करने लग रहे हैं और काम करने लग रहे हैं, जो बोल्शेविक पार्टी था उसका नाम बदल दिया गया, जिसका नाम रखा गया था रूस कम्युनिस्ट पार्टी, जो कहने लगे किससे थी, समाजवादी विचारधारा समाजवादी विचारधारा थी, और जो असमानता की जो व्यवस्था थी उनको खत्म करने के लिए राजनीतिक तौर पर ही काम करना चाहते थे, और उस तौर पर इन्होंने काम किया भी था। और आगे चल के जिस तरह की पार्टियों के बीच में मतभेद होने लग रहे थे, जब इलेक्शन हुए तो उस दौरान एक लंबे दौर पर जब बहुमत के आधार पर किसी प्रकार का कोई समर्थन इस बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी को नहीं मिला, तो उस दौरान लेनिन ने घोषणा कर दी कि ये जल्दबाजी में तैयार की गई अराजकता की स्थिति में, तो इस प्रकार का कोई बहुमत या इलेक्शनों का कोई औचित्य नहीं बनता है, और दोबारे से कम्युनिस्ट पार्टी ने अपना अधिकार जमा लिया। एक लंबे समय के बाद जो जर्मनी है, जर्मनी जैसे देशों के साथ इन बोल्शेविकों ने कब्जा कर अपने एक संधि की, और संधि के चलते चलते जब राष्ट्रीय स्तर पे रूस में इलेक्शन हुए, तो अखिल रूस सोवियत संघ कांग्रेस, अखिल रूस सोवियत कांग्रेस के रूप में बोल्शेविक पार्टी है यही उभर के आई, और बोल्शेविक पार्टी जब उभर के आई तो उन्होंने अपने तरीके से शासन व्यवस्था को संभाला, और कम्युनिस्ट जो विचारधारा है उसको आगे बढ़ाने लग रहे हैं, व्यवहारिक तौर पर वो समाजवादी समाज का निर्माण करने के लिए आगे बढ़ने लग रहे हैं। उसके बाद आते हैं कि जब इस तरह की प्रक्रिया अपनाती गई राजनीतिक रूप से सोवियत के सोवियत
को हम ग्रह युद्ध की स्थिति कहते हैं, जिसमें जनताएं आपस में विद्रोह करती है और जिसमें अलग अलग विचारधाराओं के लोगों के बीच में झड़पें होती है, हिंसात्मक गतिविधियां होती है। और ये जब हिंसात्मक गतिविधियां होती तो इसमें एक दो प्रति तीन तरह की विचारधारा के लोग थे जो बोल्शेविक समर्थक थे, जो समाजवादी विचारधारा का समर्थन करते थे वो बोल्शेविक रेड्स के नाम से जाने गए। समाजवादी क्रांतिकारी है उनको व्हाइट्स के नाम से जाना गया, समाजवादी विचारधारा के थे उनको एक अलग नाम से जाना गया जिसको हम ग्रीन्स बोला गया इनको, और जो जार के समर्थक थे उनको व्हाइट्स बोला गया। तो सबके अलग अलग जगह पर आपसी मत रहे थे और जार ही चाहता था कि जिस प्रकार की जो जमीनें थी जो किसानों ने बांट दी गई क्रांति के बाद, जमीनों का सामूहिकरण किया गया, जमीनों को जिनके पास जमीन थी उनको दे दी गई। लेकिन एक सबसे बड़ा जो कानून उनके ऊपर थोपा गया वो कानून व्यवस्था ये थी कि सोवियतों ने जो घुमंतुवाद, जो एक हिरासत उसी जगह घूमकर अपना जीवन निर्वासन करते थे, एक हिरासत उसी जगह पर घूमकर अपनी आजीविका चलाते थे, उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया। ये कहने कहीं सोवियतों के प्रति जो नाराजगी थी वो सब चीजें देखने को मिलती है, और नाराजगी देखने के मिलने के साथ साथ उसमें एक नई तरह की बात निकल के आती है जिसके अंदर हम देखते हैं कि जो घरेलू की स्थिति बनती है, जो व्हाइट जात के जो समर्थक थे वो एक प्रकार से ऐसी शासन व्यवस्था चाहते थे जो उनके हाथ में जो पहले से लंबे समय से शासन व्यवस्था चली आ रही थी वो किसी भी प्रकार से अपनी जो शासन व्यवस्था खोना नहीं चाहते थे। इसलिए जो समर्थक थे वो सामंती लोग भी थे, पूंजीपति भी लोग थे जो एक लंबे समय से शासन करते आ रहे थे। इस लंबी एक प्रक्रिया के बाद जब धीरे धीरे राजनीतिक रूप से लेनिन के समर्थन से या लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविकों ने हर प्रकार से जब कब्जा कर लिया तो एक और आगे जाकर एक नई व्यवस्था निकल के आती है जिसको हम एक नए नाम से जानते हैं, जिसको है समाजवादी विचारधारा को व्यवहारिक तौर पर लागू करना। और जो उसके अंदर जो चीज निकल के आएगी वही आएगी जो आपने पंचवर्षीय योजना आपने पढ़ी है, जो भारत में आजाद होने के बाद पंचवर्षीय योजना लागू की गई उसी आधार पर इन्होंने भी पंचवर्षीय योजना सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया और इन्हीं पंचवर्षीय योजना को भारत ने भी जब भारत आजाद हुआ उस प्रकार, क्योंकि भारत की जो शासन व्यवस्था है उसके अंदर भारतीय अर्थव्यवस्था उसके अंदर दो मूल व्यवस्थाएं हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी है और समाजवादी अर्थव्यवस्था भी। और समाजवादी अर्थव्यवस्था का जो नमूना है वो सबसे पहले किसने, रूस ने उनके सामने प्रस्तुत किया था। और इसी के चलते एक नई तरह की व्यवस्था निकल के आती है जो घरेलू की स्थिति बनी, बोल्शेविकों के अधीन अपनी शासन व्यवस्था चलाने लग रहे थे। और जल्दी से करके अगर देखा जाए तो जिस तरह के समाजवादी और व्हाइट लोगों ने जिस क्षेत्र में इनका प्रभाव ज्यादा था, व्हाइट लोगों का दक्षिण रूस में प्रभाव ज्यादा था और वहां पर जो बोल्शेविक लोग थे उनके ऊपर कतले आम के आम लोगों को काटा गया, जिसकी वजह से जो और भी लोग थे जो कहीं ना कहीं बोल्शेविक नहीं थे लेकिन फिर भी जो जिद्दी जिसको कहा जाता है, जिसको मुसलमान थे जो राष्ट्रीय स्तर के नेता थे उन लोगों ने इनका समर्थन करने से मना कर दिया। और जिस तरह के बोल्शेविकों ने दमनकारी के कानून अपनाए, जिस तरह की व्यवस्था लागू की, तो बहुत सारे कलाकार इनके समर्थन में भी आए लेकिन कुछ प्रतिभावान व्यक्ति थे जिनको खदेड़ दिया गया, जिनको बंदी बना लिया गया और जिनको देश से निर्वासन भी कर दिया गया। इस तरह के जो कदम इनके द्वारा उठाए गए वो कहीं ना कहीं सकारात्मक भी थे और नकारात्मक भी। और आगे चल के जब हम 1929 से लेकर 1935 तक का जो रूस का इतिहास पढ़ेंगे, जो समाजवाद विचारधारा स्थानीय के नेतृत्व में आगे किस प्रकार से बोल्शेविकों ने काम किया वो ज्यादा विस्तार से पढ़ेंगे। और आज के लिए बच्चों इतना ही, आज का जो पार्ट है इसके अंदर हमने पढ़ा कि किस प्रकार अक्टूबर क्रांति के बाद बोल्शेविक पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनी, सरकार बनने के बाद लेनिन ने किस प्रकार से काम किया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, उसके साथ साथ सेना को सामान्य दिखाने के लिए एक अलग रूप से दिखाने के लिए सोवियत कटौती का एक प्रचलन उन्होंने स्थापित किया। और आगे चलकर उन्होंने जो बोल्शेविक पार्टी थी उसका नाम चेंज करके रूसी कम्युनिस्ट पार्टी रखा गया, जो समाजवादी विचारधारा से प्रभावित थी और रूसी आधार पर वो काम करना चाहती थी। आगे जाकर जब
रूसी कम्युनिस्ट पार्टी का बोर्ड से कम्युनिस्ट पार्टी का युवा तो सब उसमें रहा कि ग्रेजुएट की स्थिति बनी जिसमें रेड बोल से भी लोगों ने काम किया जिसको अलग नाम से जाना गया। सामाजिक कार्यकर्ता थे, क्रांतिकारी थे, उनको ग्रेज के नाम से जाना गया। और दक्षिण का जो क्षेत्र था जिसमें सबसे ज्यादा अगर किसी का अधिकार था वो व्हाइट के जहाँ के समर्थक थे उनके लिए और जहाँ के समर्थकों ने किस प्रकार से उनके ऊपर अपना आधिपत्य चलाने के लिए काम किया। तो ये सारी चीजें आज के इस पार्ट में हमने पढ़ी। आगे का पार्ट स्टालिनवाद के बारे में पढ़ेंगे, पंचवर्षीय योजना के बारे में पढ़ेंगे और आगे चल के किस प्रकार की कार्य स्थिति होगा पढ़ेंगे। तो रूसी क्रांति और सोवियत संघ का विश्व पे क्या प्रभाव है, पूरी दुनिया को रूसी जिस प्रकार से आपने पढ़ा फ्रांस की क्रांति का पूरी दुनिया को क्या देन थी, रूस के फ्रांस में क्या प्रभाव पड़ा, उसी प्रकार रूसी क्रांति का अपना महत्व है। और ये कहीं ना कहीं समाजवादी विचारधारा का पहले एक्सपेरिमेंट था और इसकी दुनिया को किस प्रकार से लोगों के सामने प्रस्तुत किया और इसका क्या प्रभाव पड़ा, ये सारी चीजें अगले पार्ट में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल है उसका जो यूट्यूब चैनल है आप उसको सब्सक्राइब करें, उसको लाइक करें और जो ऑनलाइन क्लासेस की जो फैसिलिटी आपको दी गई है उनका भी अच्छे से घर बैठ कर उसकी तैयारी करें और अपने सिलेबस को जल्दी से जल्दी पूरा करें। धन्यवाद।